बिना धन के आज के जमाने में किसी को कुछ नहीं चलता। जन्म से लेकर मृत्यु तक धन का महत्व जारी ही रहता। कहीं चाहे कोई कुछ भी, धन तो है ही सबका चहेता। धनवान बनने का ख्वाब यहाँ हर कोई देखता। मेहनत कर्म करने वाले पर रहे लक्ष्मी जी की कृपा सदा। लाखों खर्च करने के बाद भी पैसा बचता ही रहे सदा। दोस्तों, आज हम आपको शुभ धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं कि धनतेरस का ये शुभ त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे ये धनतेरस सभी के लिए शुभ होता है और आज के दिन क्यों बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव ना हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान भी है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं तथा धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। तो दोस्तों, दीप जलाकर घर को रोशनी से जगमगाइए और नए गहने एवं बर्तनों से घर में लक्ष्मी जी का स्वागत कीजिए। इसी के साथ आप सभी को द टिंग टांग के पूरे परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।